की जिद थी कि वो आईएएस बनेंगी। देश की रैंकिंग में उन्हें तीसरा और महिलाओं में पहला स्थान मिला है। प्रतिमा वर्मा की ख्वाहिश है कि उन्हें यूपी कैडर मिले। वो महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष काम भी करना चाहती। सुल्तानपुर की प्रतिभा वर्मा ने सिविल सर्विसेज में महिलाओं में पहला स्थान हासिल किया है और जो टोटल रैंकिंग है उसमें तीसरा स्थान। प्रतिभा जी, सबसे पहले भारत समाचार की तरफ से आपको बधाई। आपने बहुत बड़ी मेहनत की इस पूरे आपने इस पढ़ाई में, कैसा लग रहा है, क्या प्राथमिकताएं हैं अब आगे? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और ऑब्वियसली मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी फील हो रही है कि मुझे इतना अच्छा अचीवमेंट मिला। ये मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं इस लेवल तक पहुँचूँगी, बट आई जस्ट थैंक गॉड एंड माई फैमिली कि मैं यहाँ तक पहुँच गई हूँ। अब आगे बस मेरा यही लक्ष्य है कि एज एन आईएएस मैं अपनी सारी ड्यूटीज़ को पूरे मन से पूरे सेटिस्फैक्ट्री लेवल पे परफॉर्म कर सकूं। जो भी एक्सपेक्टेड है एज एन आईएएस, मैं आई वांट टू वर्क फॉर द सोसाइटी और मुझे ऑब्वियसली देश के लिए काम करना है। देर आर सम इश्यूज़ जो मुझे लगते हैं कि बहुत ही ज़रूरी है भारत देश में प्रोग्रेस की तरफ आगे बढ़ने के लिए, जैसे कि वुमेन एम्पावरमेंट एक एरिया रहा है जहाँ मैं हमेशा से काम करती रही हूँ। मैंने कॉलेज टाइम में भी इस एरिया में काम किया है। और दूसरा है एजुकेशन, बच्चों की एजुकेशन मुझे लगता है बहुत ही बड़ा सोर्स ऑफ एम्पावरमेंट है, नॉट जस्ट वुमेन बट मेन ऑल्सो। फॉर ऑल पीपल एजुकेशन एंड स्किलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो दीज आर द एरियाज वेयर आई वॉन्ट टू वर्क एंड आई वॉन्ट टू डिवोट माई सेल्फ टूवर्ड्स। कैमरामैन राहुल के साथ पुष्कल, भारत समाचार, दिल्ली। इधर हाथ